बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आई लिंक एचडी की तरफ से शायद आपसे मुखातिब है। दोस्तों, आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर आपके एडियस का विंडो लेआउट स्टाइल ओवर हो गया, इधर उधर हो गया, ख़राब हो गया, तो आप इसको दोबारा जेन्युइन कैसे रीसेट कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले जो एक तरीका है वो ये है कि आप व्यू के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पर आपको विंडो लेआउट का एक मेनू नज़र आएगा। यहाँ पे आपने नॉर्मल पे क्लिक करना है, शॉर्टकट की है शिफ्ट आल्ट एल। जब आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये आपको कंपनी बेस के ऊपर डिफ़ॉल्ट में आपको सेटिंग फ्राम कर देता है। और अगर आपका ये वाला कोई ऑप्शन इधर उधर है तो आप यहाँ पे व्यू में आके यहाँ पे विंडो लेआउट नॉर्मल तो करती हैं, साथ में आपने ये देखना है कि प्लेट आपकी कौन से शो हो रहे हैं, कौन से नहीं। शो आल की है इसकी शॉर्टकट की एच। अगर यहाँ से आप इफ़ेक्ट को हाइड कर देंगे तो अगर कीबोर्ड से आप एच को प्रेस करेंगे तो ये हाइड होना और शो होना शुरू हो जाएंगे। तो अगर आप कस्टम बेस के ऊपर यानी कि आप अपनी मर्ज़ी का इसको लेआउट डिज़ाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको यहाँ पर क्लिक एंड ड्रैग करके इसे इधर छोड़ना होगा, इसको बड़ा करना होगा। जो लेआउट स्टाइल मैं अपने लिए यूज़ करता हूँ मैं आपको वो बता रहा हूँ कि ये आपने कैसे करना है। इसको पकड़ के आपने यहाँ पर रख देना और इसको क्लिक एंड ड्रैग करके आपने इधर रख देना। और जब आप इसको यहाँ पे क्लिक और ड्रैग करेंगे और यहाँ पे छोड़ेंगे और फिर एक बार इसके साथ आप मिलाएंगे तो ये एक लॉक हो जाएगा इसके साथ। और आप चाहते हैं कि दोबारा से आपको ये स्टाइल आपको डिफ़ॉल्ट में मिले तो आपने यहाँ पे व्यू के ऊपर क्लिक करना है, लेआउट में आके सेव करंट स्टाइल एज न्यू करना है। और मैं इसको नाम दे रहा हूँ आई लिंक एचडी का, आप कोई सा भी नाम दे सकते हैं। और यहाँ पे आपने इसको सेव कर देना। अब अगर आपका ये लेआउट इधर उधर होता है और यहाँ पर आप व्यू में आके इसको दोबारा से अप्लाई करते हैं तो आपको ये पहले वाली शक्ल में अवेलेबल होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।